आया था एसबीआई पीओ 2018 के पेपर में, और इसका ये है बात, 7 persons namely PQRST UV working as assistant manager, manager, deputy manager, general manager, chief manager, ED, CEO, not in the same order in an organization. और हर कोई अलग अलग शहर पसंद करता है, मुंबई, जयपुर, रांची. Positions are in the increasing order of their experience. CEO is the most experienced and assistant manager is the least experienced. और इसके बेस के ऊपर ये 10 पॉइंट दिए हैं. हमें बेसिकली करना क्या है कि PQRST UV को शहरों से और उनकी डेजिग्नेशन के साथ अटैच करना है. तो सबसे पहले तो डेजिग्नेशन को हमने सीनियर ऑर्डर सीक्वेंशियल में लगा लिया. AM सबसे छोटा है, MGR बड़ा है, DGM बड़ा है, CEO सबसे बड़ा है, ये हमने एक जगह लिख लिया. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. अब एक एक करके इनको पढ़ के लेट अस सी द एडजस्टमेंट. R इज जूनियर ओनली टू 2 persons. सीधी बात है कि R के ऊपर 2 लोग हैं, तो ये लीजिए R यहां फिट हो जाता है. S डजंट लाइक रांची, बाद की बात है. अब S कौन है, रांची कौन है, ये बात की बात है. पर्सन हु लाइक्स चंडीगढ़ इज जूनियर टू टी बट नॉट द लीस्ट जूनियर. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. वो कहता है कि टी से कोई जूनियर है लेकिन वो सबसे जूनियर नहीं है. इसका मतलब टी कहां हो सकता है. टी ये देखिए, ये सबसे जूनियर ये हो गया. यहां तो वो जूनियर बंदा है नहीं. यहां पे एक पोजीशन ऊपर हो सकता है क्योंकि वो लीस्ट जूनियर नहीं हो सकता, तो यहां हो सकता है वो. अगर वो बंदा कम से कम यहां बैठता है तो टी यहां, यहां, यहां और यहां हो सकता है. टी यहां अगर हुआ तो वो लीस्ट जूनियर हो जाएगा. वो देखिए ना बात, अगर टी यहां फिट होता है तो वो लीस्ट जूनियर जो इससे जूनियर है वो उसको एएम आना होगा, और एएम पे वो लीस्ट जूनियर हो जाएगा. वो हो नहीं सकता. तो ये कंक्लूजन आपको बड़ा ये समझ लेना पड़ेगा कि इस छोटी सी बात में उसने आपको बहुत कुछ बता दिया है. चले आगे. पर्सन हु लाइक्स पटना इज सीनियर टू ईडी. अब ईडी कहाँ है, यहां पे है, और एक ही बंदा सीनियर है, कोई डाउट ही नहीं है. तो पटना को हम यहां पे लिख लेते हैं. चली बात. अच्छा, अब वो कहता है पर्सन हु लाइक्स रांची इज सीनियर टू यू बट जूनियर टू टी. जिस बंदे को रांची पसंद है वो यू से ऊपर है और टी से नीचे है. इसको अभी 2 मिनट में उठाते हैं, ये काफी पॉसिबिलिटीज खोल रहा है. अभी इसको 2 मिनट में आते हैं. टी इज जूनियर टू सीजीएम बट सीनियर टू वी. ठंडे दिमाग से देखिए, टी सीजीएम के नीचे है पहली बात. अब सीजीएम के नीचे है तो ये और ये तो गए कट, दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं. अब वो क्या कह रहा है, बट सीनियर टू वी. अब वी कहां कहां फिट हो सकता है. देखिए, एक तो वी यहां आ सकता है, वी यहां भी आ सकता है, और वी यहां भी आ सकता है. क्योंकि अगर टी यहां जीएम की जगह पे आया तो वी यहां, यहां, यहां आ सकता है. अगर टी डीजीएम पे फाइनलाइज होता है तो वो इन दोनों में से कहीं आ सकता है. लेकिन ये बात सही है कि वो जीएम, सीजीएम, ईडी वगैरह के ऊपर नहीं जा सकता. क्लियर बात. चले, कंक्लूजन निकालने की बात है, बात में से बात निकालने की बात है. ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आता है इसमें. यू इज जूनियर टू वी एंड लाइक्स आगरा. यू वी के नीचे है तो यू कहां हो सकता है, यहां हो सकता है. यू कहां हो सकता है, यहां हो सकता है. यू यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि उसे वी के नीचे रहना है. अब एक बात और निकलती है कि यू वी के नीचे होगा, इसका मतलब वी यहां आखिर में तो हो नहीं सकता. यू नीचे है और वी यहां लास्ट हो नहीं सकता क्योंकि वी अगर लास्ट हुआ तो इसके बाहर थोड़े में ले जाएंगे. तो ये लीजिए, ये यू यू और वी वी, ये संभावना हमारे पास खुल के आ रही है. आगे पढ़िए. अच्छा, क्यू इज सीनियर टू टी बट नॉट द सीनियर मोस्ट. क्यू टी से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है. अब टी से बड़ा कहां हो सकता है. क्यू एक तो यहां आ सकता है,
टी टी अगर यहां हुआ तो क्यू यहां तो आ सकता है, और अब इनफैक्ट बड़ा तो वो यहां भी माना जाएगा, सही है ना बात। तो क्यू या तो जीएम की जगह पे आ जाएगा या ईडी की जगह पे आ जाएगा, सीओ हो नहीं सकता और वो सीजीएम भी नहीं हो सकता क्योंकि सीजीएम पे आर पहले से फिट है। तो क्यू की दो पॉसिबिलिटीज हैं। लीजिए आके सीजीएम डजंट लाइक भोपाल बात की बात है, देख लेंगे इसको। वी इज जूनियर टू पी बट नॉट टू एस। वी पी से छोटा है लेकिन एस से छोटा नहीं, मतलब क्या हुआ कि वी एस से बड़ा हुआ। पहले तो ये बात निकालिए इसमें से, वी एस से बड़ा है। अगर वी एस से बड़ा है, एस कहां हो सकता है? एस एक तो यहां हो सकता है क्योंकि वी यहां हुआ दोनों केस में सही हो जाएगी बात। एस यहां भी हो सकता है, अगर वी वहां फाइनलाइज होता है, डीजीएम की जगह पे फाइनलाइज होता है तो एस यहां फिट हो सकता है। लेकिन एस शर्तिया बात है कि एस आपका यहां या इसके ऊपर आ नहीं सकता, उसे वी के नीचे रहना है। तो एस की ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। चलिए पढ़े आगे। वी इज जूनियर टू पी बट नॉट टू एस। अच्छा एक मिनट, ये एक बात और देखो, यहां यू अगर यहां फिट होता है तो एस यहां होगा, अगर यू यहां होता है तो एस यहां होगा। कहने का मतलब है कि ये दो नीचे वाली जगह है, ये यू और एस में खप जाएंगी, वी का यहां क्या काम? वी यहां नहीं आ सकता। अगर वी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, एक ही जगह बची, लीजिए फिक्स कर दीजिए फाइनल। वी ऊपर फिक्स हो गया तो टी का यहां क्या काम? तो टी की एक ही जगह है, लीजिए ये भी फिक्स हो गया। अब अगर टी यहां है तो क्यू का क्या काम? क्यू यही हो सकता है। तो अब थोड़ा और देखिए कि पी बचता है, पी बचा, एस और यू ने तो ये जगह भर ली, वी यहां फिक्स है फिक्स है फिक्स है, तो पी यहां आ गया, लीजिए पी यहां फिक्स हो गया। अब मुद्दा ये रह गया इन दोनों का, बाकी सब सेटल्ड है। अब इनका जो डेडलॉक है उसे कैसे तोड़ेंगे? उसे हम तोड़ेंगे ये जगह जो है बताई हुई है मुंबई जयपुर वगैरह इनकी हेल्प से, सही होगी बात। चलिए आगे, वो कहता है सबसे पहले दोबारा फिर से स्टडी करते हैं क्या कह रहा है वो। एस डजंट लाइक रांची, अब ये रोको इसको थोड़ा देखते हैं। पर्सन हु लाइक्स चंडीगढ़ इज जूनियर टू टी, टी के नीचे है जो चंडीगढ़ पसंद करता है। तो टी के नीचे कौन है? एक तो वी आ गया, यहां चंडीगढ़ हो सकता है, और पढ़ लीजिए एक मिनट पर कहां थे? पर्सन हु लाइक्स चंडीगढ़ इज जूनियर टू टी बट नॉट द लीस्ट जूनियर, नॉट द लीस्ट जूनियर मतलब यहां चंडीगढ़ हो नहीं सकता। तो चंडीगढ़ या तो यहां पे है या यहां पे है, क्योंकि दोनों जगह टी से छोटी हैं, और जगह तो ये भी छोटी थी पहले वाली, लेकिन चंडीगढ़ वहां हो नहीं सकता। लीजिए दो जगह आ गई। अब चलिए आगे पढ़िए। पर्सन हु लाइक्स पटना इज सीनियर टू ईडी, वो तो हम कर ही चुके हैं। पर्सन हु लाइक्स रांची इस एक बात है कि रांची यहां आ गया है और एक बार ऊपर भी आया था। अब इनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जगह दो बार आ रही है। पर्सन हु लाइक्स रांची इज सीनियर टू यू बट जूनियर टू टी, वो यू से बड़ा है और टी के छोटा है, और एस को रांची पसंद नहीं है। बात इसमें भी काफी कुछ छुपी हुई है, देखे निकालिए। सबसे पहले इसमें से हम यह मान लेते हैं कि यू यही फिक्स हो जाता है, होगा तो वो यहां भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए यहां फिक्स होता है। अगर यू यहां होता है तो यू और टी के बीच में कौन आते हैं? एक ये एस आ जाएगा, एक वी आ जाएगा, सही। अच्छा जो रांची वाला बंदा है वो टी के नीचे और यू के ऊपर है, और एस या वी में से रांची कौन पसंद नहीं करता? यहां लिखा है एस को रांची पसंद नहीं है, इसका मतलब रांची यहां पे फिक्स होगा वी की जगह पे, एक बात। अब घुमाइए इस बात को, अगर यू की बजाय एस यहां फाइनलाइज होता है तो रांची कहां जाएगा? अगर एस यहां फाइनलाइज होता है तो यू यहां आएगा, सही है ना, यू यहां आएगा। अब यू और टी के बीच में फिर कौन बैठता है? फिर वी आता है, वी आता है तो रांची को फिर यहीं आना है।
अब दोनों हालात में ये जो चंडीगढ़ है वो यहां नहीं हो सकता, यहां पे आप लिखिए रांची। रांची फाइनल। अगर चंडीगढ़ यहां नहीं हो सकता तो उसे यही फाइनल होना है। लीजिए जो फाइनल हो गए चक्कर लगा लीजिए उन पे। लो आगे पढ़ते हैं, मसला क्या है। टी इज जूनियर टू सीजीएम बट सीनियर टू वी, ये एडजस्ट हो चुका है। यू इज जूनियर टू वी एंड लाइक्स आगरा। देखिए वी यहां है, यहां है ना, यहां के नीचे यू और एस यही होंगे। यू इज जूनियर टू वी तो सही बात है, यू को आगरा पसंद है। अब भाई अगर इस मैनेजर को चंडीगढ़ पसंद है तो मैनेजर पे यू नहीं हो सकता, क्योंकि यू को चंडीगढ़ पसंद नहीं आगरा पसंद है। तो यू काट दिया, पहले तो ये एस का इलाज कर लूं, एस यहां फिक्स हो गया। एस यहां फिक्स हुआ तो ये आपका यू यहां रहा। अगर यू यहां है तो ये आगरा को खींच लाएगा यहां पे। क्या बात है, यू एस वी टी आर क्यू पी सभी फाइनल। अब जगह देखते हैं क्या बची। जगह एक तो ये बचती है आपकी टी वाली, एक आर वाली, एक क्यू वाली। अब इनको भी समझ ले क्या कहां जाएगा। सीजीएम डजंट लाइक भोपाल, सीजीएम ये है, यानी कि भोपाल या तो आएगा यहां पे या आएगा यहां पे। सही होगी बात, सीजीएम की जगह पे तो आ नहीं सकता। अच्छा, वी इज जूनियर टू पी बट डॉट टू एस हो गया। सीजीएम इज सीनियर टू दी वन हु लाइक्स जयपुर, ये है, यानी कि जिसे जयपुर पसंद है वो सीजीएम के नीचे है। अब ये तो सारे फाइनलाइज हो चुके हैं, टी ही बचा जो फाइनलाइज होना है। तो लीजिए जयपुर को लिखा यहां पे। अगर जयपुर यहां है, भोपाल यहां नहीं हो सकता, भोपाल यहां फिक्स हो गया। लीजिए सर्कल, लीजिए सर्कल, एक ही बचा और ऊपर से ढूंढ लीजिए, मेरा ख्याल मुंबई बचता है। तो ये आपका मुंबई यहां फिट हुआ और सारी पजल हो गई सॉल्व। सिंपल होता है लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो बहुत मजेदार चीज है ये। क्लोजिंग इट राइट नाउ, थैंक यू।